गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी सी डब्ल्यू कॉपी एंड ग्रामर पोर्शन। हम क्या पढ़ रहे थे? क्रिया। तो क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो एक बार और फिर से दोहरा लेते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कैसे बनती है? मेन मतलब मेन जो शब्द रहता है उससे क्रिया बनती है। जैसे खा से क्या बनेगा क्रिया? खाना। गा से गाना। लिख से लिखना। सो से सोना। जाग से जागना। पढ़ से पढ़ना। ये सब क्या है? ये शब्द से बनती है। कुछ क्रियाएं क्या होती हैं? कुछ अपने आप होती हैं। ये तो जैसे हम खाना खाएंगे तो खाना खाया। अब कुछ कुछ ये सब क्रियाएं की जाती हैं। जैसे खाना गाना लिखना सोना ये सब क्रियाएं की जाती है। लेकिन कुछ क्रियाएं जो होती हैं कुछ क्रियाएं स्वतः मतलब अपने आप। कौन सी होती है? जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो अपने आप सूरज तो अपने आप निकलता है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है तो निकलता है। यह क्रिया है, अपने आप हो रही है। वर्षा हो रही है तो वर्षा को भी अपन को करना नहीं पड़ता। वर्षा भी अपने आप होती है। नदी बहती है तो नदी भी अपने आप बहती है। ये क्रिया अपने आप होती है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक। सकर्मक क्रिया होती है जो कर्म के साथ होती है। जैसे जैसे कि राधिका आम खा रही है इसमें राधिका क्या है? राधिका क्या है? करता। राधिका काम कर रही है। क्या काम कर रही है? आम खाने का। तो इसमें राधिका करता है मतलब जो करने वाला है द्वारा।
कही क्रिया का प्रभाव आम कर्मों पर पड़ रहा। यह क्रिया क्या हो गई? सकर्मक। इसमें राधिका आम खा रही, तो राधिका के द्वारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? आम खाना। तो खाना क्रिया है, लेकिन क्या काम है उसका? आम। तो ये इसमें राधिका करता है और आम खा रही क्रिया है और आम कर्म काम पर प्रभाव पड़ रहा है। आकर्मक क्या होती है? इसमें राम सो रहा है। इस वाक्य में राम करता है, राम करता पर क्रिया सो रहा है का सीधा प्रभाव पड़ रहा। इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? तो हमको समझ में आया क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो कर्म, एक होती है सकर्मक और एक अकर्मक, जिसमें कोई काम का कर्म, कोई काम किया जाता है किसी के द्वारा तो वो होगी सकर्मक, और जो डायरेक्ट किया जाता है वो अकर्मक क्रिया होगी। आया आपको समझ में क्रिया? थैंक यू, हैव ए गुड डे।